हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 3 में बैंकिंग और मनी एंड बैंकिंग क्लास में अभी तक हम लोगों ने कर लिया है मुद्रा का वर्गीकरण, ठीक है। और हम लोगों ने पिछली क्लास में मुद्रा का वर्गीकरण जो किया था वो कुछ हम लोगों का दो हम लोगों ने कर लिए थे और बाकी के हम लोगों के रह गए थे, तो हम लोगों को उनको भी करना है। शेष जो रह गए थे उनको भी हम लोगों को करना है जो हम लोग वर्गीकरण सीख रहे हैं। वर्गीकरण में हम लोगों ने बात कर ली हुई है स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण, और हम लोगों ने कर ली है कि वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे जितनी कि क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि सर थोड़ा सा जल्दी कराइए और MCQ को हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे, जैसे कि मान लो अब होता है हम लोगों को पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी पहले आप लोग देख लीजिए, फिर आपको क्लास और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण जो होता है वो इन्होंने किया है 3 भागों में। कौन कौन से वो भाग हैं तो उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला भाग है पदार्थ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो इसे हम लोग बोलेंगे वस्तु मुद्रा। इस पर हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि पहली क्लास में हम लोगों ने वस्तु मुद्रा के बारे में अच्छी तरीके से पूरी एक क्लास को किया हुआ है पहली नंबर की क्लास में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी धातु मुद्रा की, और उसके बाद इसमें आता है पत्र मुद्रा। अब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि धातु मुद्रा में सोने और चांदी के सिक्के होते हैं तो वो धातु मुद्रा में होते हैं। वस्तु मुद्रा में जो वस्तुओं, जैसे कि आखेट युग में हो गया अलग वस्तु, और उसके बाद होगा चारागाह युग में अलग वस्तु, तो हम लोगों ने वस्तु मुद्रा को भी किया हुआ है। पर हम लोगों ने पत्र मुद्रा को भी किया हुआ है कि परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कौन सी होती है, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कौन सी होती है। तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा बड़ी क्लास को नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। अब पूछा जाता है कि धातु मुद्रा कितने प्रकार की होती है, तो एक धातु मुद्रा होती है हम लोगों की प्रमाणिक मुद्रा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी। और एक होती है हम लोगों की सांकेतिक मुद्रा, तो इसे बोलते हैं टोकन मनी। अब पूछा जाता है कि प्रमाणिक मुद्रा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, तो इसे मानक मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक मुद्रा। अब हम लोग इसके बाद हम लोगों ने पदार्थ के आधार पर करने के बाद अगर पूछा जाता है कि और कौन से प्रकार के बातें हैं, तो और होते हैं हम लोगों के, जैसे कि मान लो हम लोगों के अब होते हैं निर्गमन के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, ठीक है। अब निर्गमन के आधार पर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक होता है हम लोगों का चलन मुद्रा, जो देश में चलती है उसे चलन मुद्रा बोलते हैं, और एक होती है हम लोगों की बैंक मुद्रा, या फिर इसे बोलते हैं साख मुद्रा। का मतलब होता है चेक, विनिमय बिल, हुंडी, तो इन्हें बोलते हैं साख मुद्रा। इन पर भी मैंने आप लोगों को आगे बताया हुआ है चलन मुद्रा कौन सी होती है, कि एक देश में जो करेंसी चलती है उसे चलन मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। अब साख मुद्रा किसे बोलते हैं, कि बैंक जो जैसे कि चेक इशू करती है तो उसे साख मुद्रा बोलेंगे। तो इस पर भी हम लोगों को ज़्यादा क्लास को नहीं आगे बढ़ाना है। उसके बाद अब हम लोगों की लास्ट जो होती है, 5 प्रकार मैंने बताए हुए हैं कि अन्य में हम लोग रख सकते हैं, अन्य आधार पर अगर रखा जाए तो अन्य आधार पर होता है सस्ती एवं महंगी मुद्रा। और उसके बाद होता है दुर्लभ या फिर सुलभ मुद्रा।
अगर आप लोगों को इसकी क्लास देखनी है कि सस्ती मुद्रा कौन सी होती है, महंगी मुद्रा कौन सी होती है, दुर्लभ मुद्रा कौन सी होती है, तो मैंने पिछली क्लास में एक मनी के प्रकार ली हुई है कि चीप मनी किसे बोलते हैं, हॉट मनी किसे बोलते हैं। इन्हीं में होती है कि चीप मनी, हॉट मनी और उसे बोलते हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और बैंक मनी क्या होती है। तो मैंने बहुत सी मनी के प्रकार बताए हुए हैं, तो उसको बहुत सी मतलब कि बहुत कम समय में मैंने क्लास को लिया हुआ है, छोटे से पीरियड में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो और समय जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग चलेंगे सीधे इसके एमसीक्यू की क्लास पर कि एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाने की संभावना होती है। तो जैसा कि पहला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि सांकेतिक मुद्रा, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग है कि सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती है, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जिसे स्वीकार करने के लिए वैधानिक आदेश होता है, जिसके बराबर का सोना केंद्रीय बैंक में नहीं होता है, जिसका अंकित मूल्य उसके धातुक मूल्य से अधिक होता है, जिसके विरुद्ध सांकेतिक हड़ताल की गई हो। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रमाणिक मुद्रा और एक होती है सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ये जो मुद्रा होती है वो घटिया धातु की बनी होती है। कैसी होती है, घटिया घटिया धातु की बनी होती है, घटिया धातु की बनी बनी होती है, ठीक है, घटिया धातु की बनी होती है। और इसका जो अंकित मूल्य होता है, इसका अंकित मूल इसके धात्विक मूल्य से ज्यादा होता है। मतलब कि इसका जो अंकित मूल्य होता है, जिसमें मतलब कि दिया होता है, जैसे कि मान लो ये 1 रुपये का नोट है, ठीक है, तो इसमें जो धातु लगी होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो कम होती है और 1 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होती है। कि मान लो इसमें धातु लगी है 50 पैसे की, तो ये इसका धातु एक मूल हो गया, और इसमें जो इसके फेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू की बात करें 1 रुपये की, तो ये इसका फेस वैल्यू है, इसका अंकित मूल्य है, तो इसका अंकित मूल्य इसके धातुक मूल्य से ज़्यादा होता होता है। इसे सहायक मुद्रा कहा जाता है, किसके इसे क्या कहा जाता है, इसे सहायक मुद्रा कहा जाता है, किसकी, प्रमाणिक मुद्रा की सहायक मुद्रा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, चलो हम लोग चलते हैं सीधे एमसीक्यू पर, और एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोगों ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है, तो कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है, तो सोने के सिक्के होते हैं सांकेतिक मुद्रा, तो ये तो हम लोगों की प्रमाणिक मुद्रा होती है। कैसी मुद्रा होती है, प्रमाणिक मुद्रा होती है, अच्छी धातु की बनी होती है। चांदी के सिक्के होते हैं, कागज के नोट होते हैं, तो कागज के नोट की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो ये जो नोट है, ये देखो ये नोट है, यहाँ पे 10 रुपये का नोट है। अब ये 10 रुपये का नोट जो है, इसमें जो कागज लगा हुआ है, तो इसका जो इसका अगर हम लोग 10 रुपये की बात करें, तो ये इसका अंकित मूल्य है, ये इसका अंकित मूल्य है, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फेस वैल्यू बोलेंगे। अब इसमें जो कागज लगा हुआ है, अगर इसमें कागज की बात करें, तो मान लो इसमें कागज लगा हुआ है 3 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये का, मान लो इसमें कागज लगा हुआ है 5 रुपये का। अगर हम भारत सरकार इसके 10 रुपये के नोट को अगर ये कहे कि हम ये 10 रुपये के नोट को बंद कर रहे हैं, तो ये जो इसको जो 10 रुपये का नोट है, ये रद्दी के बराबर हो जाएगा, और रद्दी के बराबर जब हो जाएगा, तो इसकी जो रेट है वो 5 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो इसका जो धात्विक मूल्य है, इसका जो मतलब मूल्य होता है, वो इसके अंकित मूल्य से कम होता है, तो इसीलिए इसको सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये घटिया धातु की बनी होती है, तो सांकेतिक मुद्रा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो घटिया धातु की बनी होती है, तो घटिया धातु का मतलब हो गया हम लोगों का कि जो नोट होते हैं वो नोट जो होते हैं वो कागज के बने होते हैं, तो ये एक तरीके से घटिया ही होते हैं, क्योंकि रद्दी का कोई मूल नहीं होता। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कागज के नोट जो होते हैं वो सांकेतिक मुद्रा में आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रदिष्ट मुद्रा है, प्रदिष्ट मुद्रा कौन सी मुद्रा है, प्रमाणिक मुद्रा होती है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा होती है, वैधानिक मुद्रा होती है, या फिर परिवर्तनीय मुद्रा होती है।
तो प्रतिष्ठ मुद्रा मैंने आप लोगों को पत्र मुद्रा के प्रकार बताए हैं। पत्र मुद्रा के चार प्रकार होते हैं। पत्र मुद्रा के प्रकार में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि पत्र मुद्रा के प्रकार जो होते हैं वो उसी में होता है हम लोगों का प्रतिष्ठ मुद्रा। तो वो पत्र मुद्रा मैंने आप लोगों को प्रकार बताए हुए हैं। तो एक बताया हुआ है हम लोगों ने प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ठीक है। और एक हम लोगों ने बताया हुआ है कि परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और एक बताया हुआ है कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और एक बताया हुआ है हम लोगों ने प्रतिष्ठ मुद्रा। अब इसी में चार प्रकार होते हैं। तो प्रतिष्ठ मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो संकट के समय जो इशू की जाती है उसे बोलते हैं प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा। अब हर एक जो मुद्रा, जैसे मान लो कि पत्र मुद्रा भारत सरकार अगर चाहे, आरबीआई चाहे, तो भारत के लोगों को सभी जो गरीबी है मिटा सकती है। गरीबी के मतलब कि जो है भारत के गरीबों को वो रुपये चाहे जितना बनाए और छापे और गरीबों में बांट दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक मुद्रा को छापने के लिए, मतलब कि पत्र मुद्रा को छापने के लिए, कि उसके पीछे एक निश्चित कोष रखा जाता है। अब वो कोष कितना रखा जाता है, जब हम लोग आरबीआई की बात करेंगे, जब हम लोग बैंकिंग की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग और अच्छी तरीके से बात करेंगे कि कितना कोष रखा जाता है, कोष में क्या क्या रखा जाता है, सोने कितना रखा जाता है और विदेशी मुद्रा कितनी रखी जाती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो प्रत्येक मुद्रा के पीछे कुछ ना कुछ कोष रखा जाता है। अब जो ऐसी मुद्रा होती है जिसके पीछे कोई कोष नहीं रखा जाता है, उसे हम लोग प्रतिष्ठित पत्र मुद्रा कहते हैं। तो एक तरीके से ये जो मुद्रा होती है वो हम लोगों की वैधानिक मुद्रा होती है, क्योंकि ये संकट के समय होती है और ये लागू होती है, इसीलिए इसको प्रतिष्ठित पत्र मुद्रा कहते हैं। तो चौथे का जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और तीसरे का जो है वो सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसमें शीघ्र पलायन करने की क्षमता होती है, तो उसे हम लोग कौन सी मुद्रा कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गर्म मुद्रा, हॉट मनी उसे बोलते हैं, हॉट मनी। अगर नहीं किया हुआ है तो पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिए कि हॉट मनी किसे बोलते हैं। हॉट मनी उसे बोलते हैं जब जिसकी डिमांड, जिस मुद्रा की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़्यादा होती है, उसे हम लोग हॉट मनी मतलब कि गर्म मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से आपको जानना है तो आप लोग क्लास को देख सकते हैं, मैंने क्लास बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि साख पत्र मुद्रा तथा मुद्रा के बीच अंतर है। साख पत्र मुद्रा कौन सी होती है, चेक, विनिमय बिल, हुंडी, ये एक तरीके से ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत आती है। कैसी होती है, ऐच्छिक मुद्रा के अंतर्गत आती है। ये मतलब इच्छा पर डिपेंड करती है कि बहुत से लोग इसको लेते हैं और बहुत से लोग इसको नहीं लेते हैं। तो साख मुद्रा और मुद्रा के बीच में अंतर है। साख मुद्रा साख पत्र विधिग्राह होते हैं, जबकि मुद्रा विधिग्राह नहीं होते हैं। साख पत्र विधिग्राह नहीं होते हैं जबकि मुद्रा विधिग्राह होते हैं। विधिग्राह का मतलब होता है कि जिनको हम लोगों ने, सरकार ने अगर इनको लागू कर दिया कि सभी लोगों को ये लेना अनिवार्य है, तो वो विधिग्राह मुद्रा कहलाएगी। और अगर हम लोगों को वो विधिग्राह मुद्रा, जितने भी नोट होते हैं भारत में, नोट और सिक्के, वो सभी के सभी विधिग्राह मुद्रा होते हैं, और साख मुद्रा होती है वो विधिग्राह मुद्रा में नहीं आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो छठवीं का होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्लास को अच्छी तरीके से देखा है तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों के हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होंगे जैसे मान लो, तो वो MCQ से मैं इस प्रकार से करा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। उसके बाद होता है हम लोगों का प्रमाणिक सिक्का। प्रमाणिक सिक्का कैसा क्या होता है, देश की सांकेतिक मुद्रा होती है, असीमित विधिग्राह मुद्रा होती है, इसमें जनता का विश्वास नहीं होता है। तो प्रमाणिक मुद्रा किसे बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये देश की जो होती है वो असीमित विधिग्राह मुद्रा होती है। असीमित विधिग्राह का मतलब होता है कि प्रमाणिक सिक्का जो होता है वो कितना भी, जैसे मान लो किसी को भुगतान करना है, ठीक है, तो वो कितना भी भुगतान कर सकता है, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो असीमित विधिग्राह में आती है कि कोई आदमी आपको कितने भी के नोट या कितने भी सिक्के दे सकता है भुगतान में, आप मना नहीं कर सकते, इसीलिए वो असीमित विधिग्राह होती है। और सीमित विधिग्राह अगर होती है तो उसकी भी एक कंडीशन होती है, उसकी भी विधिग्राह और सीमित विधिग्राह में मैंने क्लास दी हुई है, पिछली क्लास जब आप लोग देखेंगे समझ में आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि जब सिक्कों का अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है, जब सिक्कों का अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है तो इसे कहते हैं, तो इसे कौन सी मुद्रा कहते हैं? उसे बैंक मुद्रा कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, पत्र मुद्रा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते हैं। जब सिक्कों का अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग, अभी हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि उसे हम लोग सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि साख मुद्रा होती है, साख मुद्रा कौन सी होती है? तो वस्तु मुद्रा होती है, सांकेतिक मुद्रा होती है, ऐच्छिक मुद्रा होती है, या फिर पत्र मुद्रा होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया हुआ है कि साख मुद्रा कैसी मुद्रा होती है, साख पत्र जो होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या बताना है कि वो जो है 9वें का हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देश के प्रमाणिक सिक्के होते हैं, देश के जो प्रमाणिक सिक्के होते हैं उन्हें हम लोग प्रधान सिक्के बोलते हैं, सहायक सिक्के बोलते हैं, उपयोग सभी बोलते हैं, या फिर सांकेतिक सिक्के बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि देश के जो प्रमाणिक सिक्के होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग सांकेतिक सिक्के बोलते हैं। 11वें नंबर का आंसर लिखा हुआ है, 11वें नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती है, पत्र मुद्रा किसके द्वारा निर्गमित की जाती है? तो पत्र मुद्रा जो है सरकार के द्वारा निर्गमित की जाती है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा निर्गमित की जाती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा कि पत्र मुद्रा जो होती है वो हम लोगों को पत्र मुद्रा जो होती है वो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वाधिक लोकप्रिय है, विकासशील अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी मुद्रा होती है? तो आपको बताना है कि आज के युग में या विकासशील के अर्थव्यवस्था के युग में कौन सी मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा है, पत्र मुद्रा मान का, स्वर्ण मान का, धातु मान का, या फिर रजत मान का? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को भी जानते हैं क्योंकि विकासशील के युग में हम लोगों को पत्र मुद्रा का युग ज़्यादा है अपेक्षाकृत इन मुद्राओं की। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ये बताइएगा कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, इतना सा कमेंट करना है आप लोगों को। ये होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बैंकिंग का पार्ट भी जल्द से जल्द करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग करेंगे ग्रेसम का नियम, एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन इससे आते हैं, ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है ग्रेसम का नियम, और इससे 5 या फिर 6 जितने भी एमसीक्यू हैं उनको भी हम लोग हल करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि हम लोग पहले करेंगे मुद्रा को और उसके बाद फिर करेंगे बैंकिंग को। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।